नवरात्रों के चलते राया में खाद्य विभाग की टीम ने दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की, जिसमें कई दुकानों से खाद्य सामग्री के नमूने लिए गए। राया में खाद्य विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए कई दुकानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लिए। खाद्य विभाग की इस टीम से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। नवरात्रों के चलते बाजारों में साबूदाना, समा के चावल के साथ साथ कूटू के आटे की बिक्री ज्यादातर होती है, क्योंकि हिंदू धर्म के लोग 9 दिन व्रत रखकर पूजा अर्चना करते हैं और इसी तरह के पदार्थों को भोजन के रूप में लेते हैं। इसी के दृष्टिगत खाद और रसद विभाग की टीम राया पहुंची तो दुकानदारों में हड़कंप मच गया। टीम ने राया के सादाबाद रोड, बलदेव रोड, हाथरस रोड सहित अन्य दुकानों पर नमूने लिए, ताकि व्रत में रहने वाले इन लोगों को खाद्य पदार्थ से नुकसान न पहुंचे। ये जो राया बाजार में आगामी नवरात्रि को देखते हुए व्रत की सामग्री के नमूना लिए गए हैं। एक जगह कुट्टी का आटा और जो साबूदाना और समा का चावल लिए गए, तीन नमूना यहाँ लिए गए हैं। उसको देखते हुए ये अभियान पूरे दशहरा 20 तारीख तक रहेगा और जगह जगह छापामारी करके साफ सुथरा और सही सामान आम जनमानस को उपलब्ध कराने के। सर, किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी इसमें? खाली निरीक्षण करके उस पर विशेष रूप से जो मिलावटी या संदिग्ध लगता है उनका नमूना लिया जाएगा।